मम्मी आज ग्रीन बीन्स पकाएंगी, बहुत सारे टोमेटोस डालेंगी। कहाँ जा रहे हैं पापा? मैच खेलने। चलो चलो जल्दी कौन करो। कौन सा मैच? वो सारे बच्चे मामू के गांव मैच खेलने जाएंगे। वो चले जाएं। अम्मी, अगला मैच हम अपने ही स्टेडियम में खेलेंगे। मगर हमारा तो कोई स्टेडियम ही नहीं है। ये है वो बैग जो ये लेकर आए हैं। ये क्या है? ये तुम लोगों के लिए है। अम्मी, सबको पता है कि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, गांव के नई टीचर का बेटा होना इतना आसान नहीं है। ये तो घोर से भी ज्यादा मजे का लग रहा है। हसन साहब शायद इसे मेरे खाने के लिए लेकर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं काठी के साथ ही खुश हूँ। नासी, तुम्हें एक बात बताता हूँ। पता है, छिपकली भाग गयी। सारस ने बहुत ही प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं, वो देखूंगा। कितना अच्छा है ना, छोटे छोटे सारस, मैं देखना चाहूंगी उन्हें, मगर मैं छत पर नहीं जा सकती। गुड मॉर्निंग काराकचन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं सोच ही रहा था कि हसन साहब आए तो उनसे मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। आप जैसा तजुर्बाकार और नफीस इंसान कहाँ मिलता है। अम्मी, बहुत देर हो गई है, चले। नजला टीचर ने कहा था दोपहर 1 बजे आना। अभी तो 1:10 हुए हैं बेटी। हाँ, तो 10 मिनट लेट हो गए हैं। आह, ये जगह पहले क्यों नहीं आई मेरे दिमाग में? यहाँ से हर जगह कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। यमन, कहाँ हो तुम? हम इस काठी को बेच दें क्या? अच्छा, उठाएंगे कैसे? एक तरफ से तो पकड़ो, एक तरफ से बैग, वरना फिर किसी कुल्ली को बुला लेते हैं। मुझे कुल्लियों पर बहुत तरस आता है, बेचारे हर रोज बहुत वजन उठाते हैं। एक और पौधा है यहाँ पर। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ, कभी भी नहीं। घर से थोड़ा दूर हो गया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन है वहाँ पर? वहाँ पर कोई है? लगता है कोई भी नहीं है। काश शक्रु भी इस टाइम मेरे साथ होता। कहीं नहीं मिला मुझे, पता नहीं कहाँ होगा वो। हाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर से बहुत दूर आ गया हूँ। तुम कितने डरपोक हो नाजी, तुम तो हर चीज से डरते हो नाजी। ये तो बस कुछ परिंदे ही थे। अगर शेर आ जाता तो मैं क्या करता? आज के बाद अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। शक्रु कहाँ हो? शक्रु कहाँ हो तुम? नाजी, मदद करो, कोई है? कोई मदद करो मेरी। नाजी, इधर क्यों नहीं देख रहे हो? मैं तुम्हारी तरह ऊंचा नहीं बोल सकता। इधर देखो ना नाजी। नाजी, तुम मेरी तरफ देखो ना। नाजी, इधर देखो। कौन है वहाँ पर? मुझे डर नहीं लग रहा। नाजी, कौन हो तुम? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं डर नहीं रहा। कौन हो तुम? और सामने आओ। कौन हो तुम? मैं डर नहीं रहा, मैं डर नहीं रहा। अरे सुनो ना मेरी बात। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम कौन हो? सामने आओ। नाजी, मैं शक्रु। शक्रु, तुम थे यहाँ पर? ओ नाजी, मैं था। मैं तुमसे यहाँ मार खाने के लिए आया था। ये देखो, मेरे यहाँ चोट लगी है, यहाँ भी। ये देखो, ये तुमने क्या किया? रुकोन को भगा दिया। क्यों मारा तुमने मुझे? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अब पता चला। तुमने क्यों मारा मुझे, बोलो? मैं डर गया, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें, बताओ ना जरा, क्यों मार रहे थे तुम मुझे? मुझे ऐसा लगा कि शेर आ गया है, मैंने शेर समझकर तुम्हें मारना शुरू कर दिया। और खूब मारा शेर, तुम्हें। शेर समझकर? हाँ, शेर समझकर। बेटा, शेर का क्या काम है यहाँ पर? ये कोई अफ्रीका है? खामोश रहो अब। अच्छा, मुझे लगा चुप कर मैं... जाओ तुम, समझ गए ना? शेर नहीं तो भेड़िया भी तो हो सकता था। भेड़िए का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, ये अफ्रीका नहीं है, समझे? तुम्हें यकीन है? यकीन है।
मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ, मैंने यहाँ कोई भेड़िया नहीं देखा, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। ओह चुप कर जाओ। आप मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं समझा शेर था, खामोश रहो, मुझे माफ कर दो, देखो चुप रहो, चुप। शकरू तुम वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ एक रिकॉन था, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से वो यहाँ से भाग गया। तुम्हें यकीन है कि रिकॉन था? मुझे यकीन है, और कोई नहीं था यहाँ। यानी कोई और जानवर भी हो सकता है? मुझे रिकॉन और गुलहरी में फर्क पता है। ठीक है ठीक है, तुम्हें मुकम्मल यकीन है ना कि वह रिकॉन है गुलहरी नहीं है? शकरू तुम्हें उन दोनों में फर्क पता है? चुप रहो, तुम्हें एक दफा समझाने से बात समझ नहीं आती। बेटा कहा है ना मुझे फर्क पता है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, समझे? अच्छा ज्यादा शोर मत करो और चुप करो ताकि रुकोन कहीं दोबारा ना भाग जाए। अच्छा क्या वो आएगा? हाँ जरूर आएगा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ठीक है इंतजार कर लेते हैं। इंतजार ही करते रह जाओगे? रुकोन बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। किसका किसका शिकार करते हैं? दरअसल ये मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। मछली खाना? रुकोन मछली खाना बहुत पसंद करते हैं क्या? हाँ हाँ, झील में बहुत सी मछलियाँ हैं, मुल्क से बाहर भी जाती हैं। शकरू हमारी झील में से? हाँ हाँ, मेरे बहुत से बैरूने मुल्क के दोस्त यहाँ से मछलियाँ बाहर के मुल्क लेकर जाते हैं। क्या हाथ में लेकर जाते हैं? नहीं, क्या कह रहे हो तुम, उनको हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं, बास्केट में लेकर जाते हैं, समझ गए ना तुम? हे चुप करो नाजी, झीला है देखो जरा। हाँ, देखा देखो, है मेंढक ने जंप किया, तुम जरा चुप रहो। अब ये 2 टांगों वाले मुझे पकड़ेंगे। मैं तो इटली में फ्रांस डेनमार्क जर्मनी नॉर्वेज इतने एक्सपर्ट शिकारियों के हाथ नहीं लगा, तो इनके हाथ क्या लगूंगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बेहतरीन और क्रिस्पी झींगे कभी नहीं खाए। ये तो असल में रकोन है। ताज़ा ताज़ा झींगे पकड़ के खाने का अपना ही मजा है, ये मजा भला पैकेट वाले या पुराने झींगों में कैसे हो सकता है? हा? मुझे तो ये ताज़ा झींगे खाने देखो तो सही क्या कर रहा है। बहुत मजे का है ये। अरे वाह, देखो वो लगातार खा रहा है। अगर इसी तरह मछलियाँ खाता रहा तो झील की सारी मछलियाँ खत्म हो जाएंगी, बस जाल में गिरने ही वाला है। क्या जाल में गिरेगा? क्या पकड़ोगे तुम उसे? हाँ। बताओ भी ऐसा हाँ, करोगे? जाल? हाँ। चुप कर जाओ, तुम इतना ज्यादा बोल क्यों रहे हो? रुकोन फिर भाग जाएगा, बहुत चालाक है वो। अच्छा ठीक है, मगर तुम उसे पकड़ कर करोगे क्या? अपने पास रखूंगा। बेचारे बच्चे। मुझे लग रहा है इस बच्चे का कुछ करना ही होगा, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। क्या लड़ने का सोच रहे हो? हाँ तो और क्या। गुस्सा मत करो, वो वाकई ही बहुत अच्छा बच्चा है। तुम ये नहीं कर सकते शकरू, समझ गए हो ना तुम? हो सकता है इसे मार के इसकी खाल से अच्छा सा कोट बना लूं, सर्दियों में काम आएगा। देख रही हो ना क्या कह रहा है, और तुम कहती हो कि ये अच्छा बच्चा है। ये तो अच्छा है, हम पर उसकी नजर नहीं पड़ी, नहीं तो हम अपने आप को कैसे बचाते? तुम सोच भी नहीं सकती कि हमने कितनी दफा इससे अपनी जान बचाई है, मैं तो सोच कर ही घबरा जाता हूँ। बहुत खतरनाक बच्चा है ये शकरू, इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। चलो हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। हाँ हाँ जल्दी चलो। नहीं शकरू ये गलत है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मेरी तो आंखें भर आई, मैं रो पड़ूंगा, कोई रुमाल देगा मुझे? रुमाल है किसी के पास? ओ रकोन भाग जाओ, चुप कर जाओ, अपनी जान बचाओ, चुप भाग जाओ। भाग जाना ही अच्छा है यहाँ से। वो बस जाल में गिरने ही वाला था, ये तुमने क्या किया नाजी? मैं तुम्हें कभी भी रकून को पकड़ने नहीं दूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम मुझसे बचोगे तो मारोगे ना? लड़ाई करना बुरी बात है, और खास तौर पर मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो रहा रकून, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा, मेरा इंतजार करो, यहाँ मैं अभी आया। ये बच्चा तो बहुत गुस्से में है। रुक जाओ, मुझे कहीं चुप जाना चाहिए। रुक जाओ, रुक जाओ।
रुक जाओ। ये जो कौन बनी बात है, इसका कोई हल निकालते हैं। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो मेरी अम्मी तुम्हें कोट बना देंगी। रुक जाओ। ये मैं कहां आ गया हूँ? कौन हो तुम भाई और यहाँ क्या करने आए हो, बताओ? अगर तुम्हारे पीछे भी कोई शिकारी लगा होता तो तुम्हें भी समझ ना आती कि कहाँ जाना है। मुझे बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी ने पकड़ कर क्या करना है आखिर? मुझे मारकर कोट बनाएंगे। कौन बनाएगा कोट? वो पागल बच्चा। वो कौन सा पागल बच्चा है? नाजी जल्दी से आओ। अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्या करूं, कहां छुपूं जाके? तुम बताओ मुझे। ऐसा करो कि उसके पीछे जाकर जल्दी से छुप जाओ। चलो। काराकचन, कोई रिकॉन तो नहीं आया यहाँ पर? रिकॉन नहीं? तुम्हें यकीन है? मैंने उसे यहीं आते हुए देखा था। ज्यादा दूर नहीं गया होगा या फिर कहीं छुप गया होगा। जाहिर सी बात है, छुपूंगा ही। ये जगह भी बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा अंधेरा है, मगर कोई बात नहीं। अगर यहाँ आता तो मुझे जरूर नजर आता वो। कदे कहीं नहीं, मेरे बारे में बता ही मत देना वरना। उसका क्या करोगे? शक्रू, तुम्हें पता है कि जानवरों को मारना कितना बड़ा जुर्म है? सारे कीमती जानवर तुम जैसे लोगों की वजह से ही खत्म हो रहे हैं। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, वैशी करते हैं ये क्या काम। कहा? वैशी लोग? मैं जितनी जल्दी यहाँ से भाग जाऊँ उतना ही अच्छा है मेरे लिए। यार नाजी, तुम बहुत बेवकूफ हो। अरे नहीं, ये बेवकूफ नहीं है। नहीं, मैं जानवरों को बचा रहा हूँ इसलिए बेवकूफ। मैंने मजाक किया था बेटा, मैंने रिकॉन की खाल का कोई कोट वोट नहीं बनाना। तो फिर क्या करना है तुमने? तो तुम क्या करोगे फिर? अपने घर रखूंगा, मोहल्ले के बच्चों को दिखाऊंगा और हाँ फिर बेच दूंगा। ओ मेरे खुदाया, ये तो बेच देगा इसको। ये कतई यकीनन मुझे मरवाएगा। मुझे कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए, वैसे भी ये जगह बहुत गंदी है। शक्रू, सच कह रहे हो ना? पहले कसम खाओ, आज तक कभी झूठ बोलते हुए देखा है तुमने मुझे? मैंने तुम्हारी शरारतें तो देखी हैं, मगर झूठ बोलते कभी नहीं मुझे देखा। माफ करना शक्रू। सॉरी कहना तो बहुत आसान है, पहले गलती करो फिर सॉरी बोलो। चलो, क्यों? उस रुकोन को पकड़ते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूं? मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी शक्रू। मुझे खुशी हुई तुम लोगों का इत्तफाक देखकर। तुम लेट हो गए, रिकॉन अब तो अपने घर चला गया होगा। काराकचन, तुमने तो उसे देखा ही नहीं था। नहीं देखा, मगर हो सकता है नजर आया हो मुझे। तुम कुछ छुपा रहे हो ना, बताओ। मैंने नहीं देखा, मुझे नजर नहीं आया। रिकॉन देखने में कैसा जानवर है? मैंने कोई खरगोश देखा होगा। रिकॉन का क्या काम यहाँ? शक्रू, तुम्हें पता है कि हम काराकचन की खाल से भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। कोट ना भी बने तुम ग्लव्स तो बना ही सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, ग्लव्स रहने तो टोपियाँ बना लेते हैं। हाँ, पर एक मुश्किल है। कानों का क्या करेंगे? मुश्किल तो देखो जरा, काट देंगे। मजाक कर रहे हो ना तुम लोग? शक्रू, मुझे ऐसा हैट नहीं चाहिए जिसके दो कान हो। फिक्र ना करो तुम नाजी, जैसा कहोगे वैसा बनाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो, मेरा क्या होगा? मुझे बचाओ, अरे चलो बचाओ, मुझे बचाओ, अरे ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, अरे कोई आए। इन बच्चों का तो कुछ पता नहीं चलता, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो कभी किसी के। अगर हमारे पीछे आ गए तो हमारा क्या होगा? मैं तो डर रहा हूँ। चलो अब हम यहाँ से भी चलते हैं। आवाज कैसी है? आवाज नहीं है शायद, मगर मुझे ऐसा लगा। मुझे तो बच्चों ने ऐसा डराया है कि अब हर चीज से डर लगता है। चलो शक्रू तो ऐसा ही था, मगर अब नाजी को क्या कहें, वो भी शक्रू जैसा ही हो गया है, बिल्कुल शक्रू के ही जैसा। हाँ? मुझे क्यों अजीब सी आवाजें आ रही है? हाँ? ये मैं हसन साहब को बता दूं तो अच्छा होगा, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये वहम है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
अरे मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। हे कारा, उठो मेरे दोस्त, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था कारा, तुम तो दिल पर ही ले गए हो यार। उठो, हे उठ जाओ, तुम परेशान कर रहे हो मुझे, तुम तो बहुत डरपोक निकले हो यार। हे कारा उठो, हे उठ भी जाओ यार। हे कारा क्या हो गया है तुम्हें, उठ जाओ। ये क्या हुआ मुझे, मैं कहाँ हूँ? लगता है कि जंग शुरू हो गई है, हम सुरंगों में घुस जाते हैं और खाने का सामान है ना। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह शत्रु को नहीं पता चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कौन सी जगह है, अपने आप को बचाओ, जंग शुरू हो गई है। मत यार, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैंने तो मजाक किया था तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, समझे? हे कारा, होश के नाखून लो गधे, ऐसा तो मत कहो यार, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त साबित होऊंगा, मेरा यकीन करो। वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे हो, एक बात बताऊं कारा, आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें मजा आया? तुम्हारी वजह से मेरे कान कटने वाले थे, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें शत्रु से बचाया, तुम डरा के मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारे लिए ये मजा है? मैंने तो तुम्हारे साथ बस एक छोटा सा मजाक किया था, और तुम इतना गुस्सा कर गए मेरे प्यारे दोस्त। मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुम्हें थोड़ा सा खुश कर दूं, मगर तुम तो बिल्कुल गधे ही निकले। बहुत खूब, काश दे देता तुम्हें शत्रु को, इसके बाद वो तुम्हारी खाल उतार कर कोट बनाता, मुझे क्या था, फिर गधों वाले मजाक ना सूझते तुम्हें। रुको मैं बुलाता हूँ उसे, रुको जरा। तुम एक यतीम के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो यार, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप, और तुम्हें पता है मुझे अपनी माँ के खानों की बहुत याद आती है। हाँ, माँ के हाथ के खाने जैसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अब मेरी माँ बहुत दूर जा चुकी है, मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। एक रेकून की परेशानी तुम क्या जानो, तो रह जाते अपनी माँ के पास, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? देखो क्या कह रहा है, क्या मैं कभी चाहता था कि अपने घर वालों से दूर रहूं? एक छोटे से जानवर को बचाने के लिए अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट की और भागते भागते यहाँ निकल आया। अम्मी को, बाबा को, अपने छोटे बहन भाइयों को छोड़कर आने का और क्या मकसद हो सकता है? मैं तो हमेशा ही दूसरों की मदद करता आया हूँ। वो शिकारी मुझे पकड़कर कोट बनाना चाहता है, क्या यही वैल्यू है हमारी कि हमें मारकर हमारे कोट बना लिए जाएं? आखिर इस दुनिया में ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम बेचारे मासूम जानवरों पर कब तक ऐसे जुल्म होता रहेगा? देखो ना कारा कचन, तुम भी तो एक जानवर हो, तुम ये दर्द अच्छी तरह समझ सकते हो, उसने तो तुम्हारे कान काटने की भी धमकी दी। मैं नहीं मिला तो वो तुम्हारी खाल से कोट बना लेगा, उन्हें हमारी जान की कोई परवाह नहीं, उन्हें बस अपना मकसद पूरा करना होता है। हाँ, देखो ना, इतने दिनों से मैं बेसकून हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, रहने के लिए घर भी नहीं है मेरे पास। काश कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं अपनी जिंदगी के चंद दिन सुकून से गुजार सकूँ, जहाँ मुझे किसी का डर ना हो। असल में क्या कहने लगे थे तुम, है कोई तुम्हारे पास ऐसी जगह? वैसे आजकल के जमाने में भलाई कौन करता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ, मगर तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और अब भी तुम मेरी मदद करोगे। अच्छा अच्छा, अब बस करो, यहीं पे किसी कोने में रह लेना। कारा, ये देखो मैं अपना सामान ले आया हूँ, अब मेरे दोस्त मुझे बताओ कि खाने में क्या है, बहुत भूख लगी है मुझे, मैं तो बस दो पराठे ही खाता हूँ। बस एक ही मिलेगा, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरा सामान रखवाने में तो मदद करो। मेरे ख्याल में तुम समझ गए होगे। हाँ, समझदार तो मैं बहुत हूँ, दरअसल सफर बहुत ज्यादा लंबा था, जिसकी वजह से अब सामान उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, सामान भी तो बहुत ज्यादा है मेरा, क्या करूँ, जरूरत की चीजें तो रखनी पड़ती हैं। अच्छा कारा कचन, मुझे बताओ कि सामान कहाँ रखूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, इस सामान की वजह से मुझे एयरपोर्ट पर भी बहुत मसला हुआ था, उन्होंने कहा कि सामान ओवरवेट है। तुम जहाज पर बैठे थे? हाँ, जब मैं फ्रांस गया था। इसको भी रख लेते हैं। हे कारा, ये कैसा है? ये कैसा है? या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? हाँ, बिल्कुल।